तसर कीट की में भी बीमारी लगती है और इस बीमारी के लगने के बाद काफ़ी परेशानी होती है और तसर अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती। ऐसे में अगर आप इस बीमारी को पहचानेंगे तभी इसका इलाज कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ संपूर्ण जानकारी को लेकर आपके सामने मौजूद हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जान लेते हैं क्या है बीमारी और क्या है इसका इलाज। अब बात आती है कि मान लीजिए बीमारी लग चुकी है तो इसकी रोकथाम कैसे करेंगे कि ताकि अधिक से अधिक ना फैले, इसके लिए भी कोई दवा अगर है तो उसके बारे में भी आप हमारे कृषक भाइयों को बताएं। बीमारी जब लग जाती है, जैसे विशेषकर वायरस जनित बीमारी जिस कीट को लग जाती है, उसका सबसे सही उपाय है कि जो ऐसे कीट कीट पालन प्रक्षेत्र में जब आपको दिखाई पड़े तुरंत उस स्थान से उस कीट को हटा दिया जाए और इसके बाद बिना हाथ धोए किसान जो है उस परिक्षेत्र में फिर से न जाए, नहीं तो दूसरे कीटों में भी वो बीमारी फैलेगी। तो ऐसे जो उल्टे लटके हुए कीट हैं या ऐसे कीट जिनके ऊपर बीमारी के लक्षण आ चुके हैं, जैसे आप देखते हैं उनके ऊपर बताया हमने काले कलर के स्पॉट्स हैं, तो उनको तुरंत वहाँ से कीट पालन प्रक्षेत्र में हटाएँ। दूसरा क्या है कि अगर आपके प्रक्षेत्र में बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ा है तो आप वहाँ ध्यान रखें कि जो पौधों के बीच में जो गैप है उनकी पत्तियाँ थोड़ा कम हटाएँ, जिससे वहाँ पर हवादार स्थान बना रहे और समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव भी अपने प्रक्षेत्र में करते रहें। साथ ही सोडियम हाइपोक्लोराइड, आप देख रहे थे किसान भाइयों कोविड के दौरान सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग काफ़ी हो रहा था, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड की घोल बना करके उसका भी छिड़काव पत्तियों में करने से इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचाव होता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों कि आपके प्रक्षेत्र में बीमारी लगे नहीं, उसके लिए तीन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि आप गुणवत्तापूर्ण बीज लें, जहाँ से भी अपना बीज लाते हैं वो बहुत अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लाएं। दूसरा है इसके बाद प्रक्षेत्र की साफ सफाई का काम करें, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर चूना का छिड़काव करें, आप पौधे के आसपास पे साफ सफाई का ध्यान रखें, खरपतवार नष्ट कर दें और इसके साथ साथ जब भी आप रेयरिंग प्रारंभ करते हैं उसके दौरान जो हमारे संस्थान द्वारा अनुशंसित है, जैसे LSM का दो बार छिड़काव करना है पहली और दूसरी अवस्था में, इसके साथ जीवन सुधा जो हमारी औषधि है उसका प्रयोग करिए, तो इससे काफ़ी हद तक आप जो है देख रेख के दौरान आप देखेंगे ऐसे मृत कीटे हैं उनको प्रक्षेत्र से हटाएँ, तो इससे आप काफ़ी हद तक बीमारियों से आप निजात पाएंगे और आपको अधिक से अधिक उत्पादन होगा। तो रोकने का एक उपाय है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मदर माथ होती है, जैसे इसमें ग्रेनेज चल रहा है तो ग्रेनेज के दौरान हम लोग तितली से कुछ सैंपल लेकर के, जो मादा माथ होता है उससे कुछ सैंपल लेकर के उसमें पेब्रिन रोग का लक्षण देखते हैं। पेब्रिन रोग माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है चावल के दाने के बराबर छोटे छोटे कीटाणु उसमें दिखाई पड़ते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो ऐसे मदर माथ को हम बीज उत्पादन के लिए कभी उपयोग में नहीं लाते हैं, उसको वहाँ से तत्काल हटा देते हैं। जिसमें ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं, जिसमें ऐसे रोग नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं का उपयोग हम आगे करते हैं। दूसरा है हमारे पास संस्थान द्वारा अंडे को धुलाई के लिए कभी कभी देखा गया किसान भाइयों कि अंडे के द्वारा भी बीज अगर अंडा संक्रमित है तो वो बीज हम उपयोग में लाते हैं तो उससे नुकसान होता है, और अंडे के ऊपर वाले सरफेस पे भी हमारे कुछ ऐसे बीमारी के कीटाणु हैं जो कि रहते हैं, तो उसके लिए हमारे संस्थान ने अंडों को वास करने के लिए एक डेपुराटेक्स नाम का एक केमिकल बनाया है, जिससे हम लोग उससे वास करके अंडे को भली भांत वास करके तब उसका प्रॉपर इंक्यूबेशन करके फील्ड में ले जाते हैं। तीसरा एक विधि है कि हमारे संस्थान ने एक और प्रणाली डेवलप की है जिसको हम कहते हैं PBS, पेब्रिन विजुअलाइजेशन सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन का एक ड्राप ले करके हम स्लाइड पर रख करके माइक्रोस्कोप के द्वारा जब करते हैं तो काफ़ी अस्पष्ट रूप से हमको पेब्रिन बीमारी के लक्षण के दिखाई पड़ते हैं। अगर उसमें हमको दिखाई पड़ा कि यहाँ पे चावल के छोटे छोटे दाने जैसे कण दिखाई पड़े अगर माइक्रोस्कोप में 650 माइग्निफिकेशन में, तो हम जान लेते हैं कि इसमें पेब्रिन रोग है, तो ऐसे मदर मास से निकले हुए अंडे को हम जला देते हैं, उसका उपयोग हम बीज उत्पादन के लिए नहीं करते हैं। किसान भाइयों को यह प्रशिक्षण आसानी से दिया जा सकता है और वह इसकी जांच स्वतः भी कर सकते हैं, और हमारे झारखंड राज्य में कुछ ऐसे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं जिनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया और बहुतायत वो लोग प्रशिक्षण करके और बीज उत्पादन का कार्य प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं।